हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ किचन से जुड़े कुछ ऐसे टूल, कुछ ऐसे अप्लायंसेस और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स जो आपके किचन को करेंगे बिल्कुल ऑर्गेनाइज और साथ ही आप लोगों का टाइम भी काफी सेव होने वाला है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग आज मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम है सोनिया और मैं बनाती हूँ इस चैनल पे वीडियोस जो सारी की सारी आपके घर से जुड़ी हैं। तो इससे पहले की सारी वीडियोस जो किचन और मेरे लिविंग रूम या डाइनिंग रूम के मेकओवर से जुड़ी थी उन्हें आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ये रेड बटन जो आपको दिख रहा है इसे दबा दीजिएगा, प्रेस करिएगा, तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। और साथ ही लगे घंटी को प्रेस नहीं करेंगे तो अगली जो किचन से रिलेटेड वीडियो आने वाली है वो आप लोगों से मिस हो जाएगी और आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंचेगा तो आप मेरी वीडियोस को देखेंगे कैसे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रोडक्ट से, तो वो है ये आपको सिर्फ मिलने वाला है 109 रुपीज में और आपको मिलेंगे इसके साथ पूरे के पूरे 6 सेट। तो ये जो छोटे छोटे टिफिन बॉक्स आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा वाला बॉक्स भी है, एक लार्ज साइज है, स्मॉल साइज है, इन सब का क्या यूज है आपके किचन में? जब आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, आपको अपना टिफिन लेके जाना है या आपके साथ छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनको स्नैक्स की जो छोटे छोटे से भूख लग जाती है, तो उन सबको कैरी करने के लिए हमें इस तरीके के बहुत ही कॉस्टली नहीं है, सिर्फ 109 रुपीज में अगर इस तरीके के टिफिन बॉक्सेस मिल जाते हैं तो मेरे लिए बेस्ट आइटम है आपके किचन के लिए। आप इसके अंदर अपना लेफ्ट ओवर आटा हो गया, थोड़ी सी सब्जी बच गई कई बार, उन चीजों को अगर हम स्टील के बर्तनों में फ्रिज में रखते हैं तो विद टाइम उसके अंदर क्रैक पड़ जाता है। तो इसीलिए प्रेफर करिए कि आप इस तरीके के छोटे छोटे कंटेनर्स में आप उन्हें रख सकते हैं। हाँ, ये प्लास्टिक है बट ये सेफ है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। और जितना हो सके आपको एयर टाइट कंटेनर ही यूज करने चाहिए। ये एयर टाइट तो नहीं है पर 109 में आपको इससे अच्छा और क्या मिलेगा। So, जो हमारा नेक्स्ट आइटम है वो है ये एक छोटा सा जूसर। अगर आप लोगों की भी फैमिली मेरे जैसी अभी छोटी सी फैमिली है जिसके अंदर आप हैं और आपके बच्चे हैं तो 4 मेंबर्स के लिए ये वाला जूसर मेरे लिए परफेक्ट है। मैं तो इसे इवन अपने कार ट्रैवलिंग में, जब अभी हम कहीं पे भी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं या फिर हमें ट्रेवल करना पड़ रहा है सिटी टू सिटी, तो मैं इसे जरूर अपने कार में रखती हूँ। आपके पास कोई भी फ्रूट है आप आराम से इसे इस तरीके से स्क्वीज कर सकते हैं। ऑरेंज है, आपके पास ग्रेप्स है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। और एक तो अच्छी बात ये है कि ये बिजली से चलने वाला नहीं है तो बिजली का भी कोई खर्चा नहीं है और बहुत आराम से इसमें आपके सारे टाइप के जूस निकल जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मेरे किचन का बहुत ही अच्छा मस्ट हैव प्रोडक्ट है। तो आप भी ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कीजिए जो ना ही ज्यादा कॉस्टली हो पर आपके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल हो। ये नहीं है कि आप महंगे प्रोडक्ट लेकर आएंगे वही आपके लिए एसेंशियल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सस्ते प्रोडक्ट भी आपके लिए उतने ही नीडफुल हो सकते हैं, तो एक बार ट्राई कीजिएगा थोड़े से सस्ते प्रोडक्ट में भी इन्वेस्ट करने का, वो आपको रिजल्ट काफी अच्छा कई बार दे ही देते हैं। तो जो अब हमारा नेक्स्ट आइटम है वो है ये है सेलो ब्रांड का। और आपको पता ही है इस टाइप के थर्मस की जरूरत अभी विंटर सीजन में आप लोगों को बहुत पड़ रही होगी। मैं तो साउथ इंडिया में रह रही हूँ तो यहाँ तो विंटर्स बिल्कुल ही नहीं है, हम लोग तो अभी भी फैन और एसी यूज कर रहे हैं, बट फिर भी हमें कुछ ऐसी कुकिंग कई बार करनी पड़ती है जिसमें हमें झटपट से उसे बॉयल करना है। तो उस केसेस में मैं इसका काफी यूज करती हूँ, पहले ही पानी इसमें गर्म कर लेती हूँ और उससे मेरी कुकिंग काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो ये सेलो ब्रांड का मुझे अच्छा लगा बहुत प्रोडक्ट। मेरे पास बोरोसिल के भी 2 हैं बट मैं सच बताऊं वो इनसे काफी ज्यादा महंगे थे बट मुझे इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगे उनके रिजल्ट। उसमें बहुत देर तक आपका बिल्कुल भी पानी है, चाय है, वो सब कुछ इतनी देर तक गर्म नहीं रहता है जितना आपका इसमें रहता है। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। ये प्रोडक्ट मैं लेकर आई हूँ स्पेशली एग्स को स्टोर करने के लिए। जब मेरे पास कम क्वांटिटी में एग होते हैं तब तो मैं अपने उस DIY बास्केट में रख लेती हूँ जो मैंने आप लोगों के साथ इससे पहले वाले किचन वीडियो में
शेयर किया था। बट कई बार जब एग की क्वांटिटी ज्यादा हो, 6 से ज्यादा 10 हैं आपके पास, उस टाइम पे स्टोर करने के लिए और बच्चों से स्पेशली बचाने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे तो फ्रिज में जाते पकड़ते हैं और क्रश कर देते हैं, तो इसीलिए मैं लेकर आई हूँ ये वाली एग ट्रे। ये मैं लेकर आई हूँ डी मार्ट से और ये सिर्फ 89 रुपीज की है। तो जो ये वाली ट्रे है ये आराम से आपके 10 eggs को अकोमोडेट कर लेगी और बहुत सेफ भी है। तो ये प्रोडक्ट 89 रुपीज में मेरे लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं, अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं, तो काफी अच्छी क्वालिटी का इसका प्लास्टिक है और 89 रुपीज में आपके 10 एग आराम से इसमें स्टोर हो जाएंगे। तो ये मेरे लिए एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो चलिए इसी के साथ मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ वो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किचन क्लीनिंग टूल। तो किचन को क्लीन रखने के लिए एक तरीके का आपको स्प्रे बॉटल की जरूरत हमेशा पड़ती है। अगर आपके पास कोई भी परफ्यूम की बॉटल खत्म है और आपने उससे कुछ DIY बनाए हैं, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ जैसे कि ये वाली स्प्रे बॉटल, ये एक मेरे परफ्यूम की बॉटल थी, खत्म हुई तो मैंने इसमें अपना DIY क्लीनर बनाया और इससे आराम से यूज कर लेती हूँ। बट इसकी थोड़ी सी ना क्वांटिटी मुझे कम लगती थी, बार बार इसे रिफिल करना पड़ता था। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने इस तरीके का एक डेटॉल डिसइंफेक्टेंट लिया हुआ है तो इसके साथ भी आपको ये नोजल वाला स्प्रे मिलता है, बट आपको फिर से वेट करना पड़ेगा कि ये पूरा खाली हो तब आप इसको यूज करें, बिकॉज हमें इसका स्प्रे चाहिए तो हम इसे किसी और बॉटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। उसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए मैं अब लेकर आई थी ये वाली एक स्प्रे बॉटल। तो ये मेरे किचन क्लीनिंग में काफी काम आने वाली है और इसका प्राइस है 60 रुपीज। तो 60 रुपीज में काफी अच्छे से आप इसे स्प्रे करके अपने किचन के जो भी गैस है, आपकी जो काउंटर टॉप है, उसको नीट एंड क्लीन रख सकते हैं और इसमें आप अपना DIY जो भी आप स्प्रे बनाना चाहे वो इसमें जरूर बना के डाल सकते हैं। और वो कैसे बनाना है, कैसे इसका यूज होगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो Stay tuned with my channel. अब जो नेक्स्ट आइटम मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी आप लोगों की क्लीनिंग पर्पस के लिए है, बहुत ही एसेंशियल आइटम है, सस्ता सा है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। तो वो है ये, इसी को मैं हमेशा अपनी क्लीनिंग डस्टिंग इस पर्पस के लिए यूज करती हूँ, बहुत ही अच्छे से इससे क्लीनिंग हो जाती है। तो मैंने इसके लिए 2-3 सेपरेट ले रखे हैं, तो ये अभी मैं एक नया लेकर आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसे अपने फ्रेंड्स को भी शो किया जाए। ये सिर्फ 39 रुपीज का है, बहुत ही सॉफ्ट है और यहाँ पे मिलेगा आपको डुअल, आप चाहे तो यहाँ यूज कर सकते हैं, इस तरफ से यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग वाइपिंग आपकी सारे पर्पस इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये एक मस्ट हैव टूल है आपके किचन के लिए, अगर आपको रखना है अपना किचन हमेशा क्लीन चकाचक। तो जो मैं नेक्स्ट आइटम आपको दिखाने वाली हूँ जो है आपके किचन के लिए मस्ट, वो है ये वाइप्स। आप में से बहुत सारी लेडीज इन सबको यूज करती ही होंगी क्योंकि इससे ज्यादा तेजी से मैंने अपना किचन काउंटरटॉप और किसी चीज से साफ नहीं करा है। मिनिमम आपको 30-40 सेकंड्स लगते हैं इस वाइप को एक बार यूज करना है, आपका किचन काउंटरटॉप बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगा। हाँ, ये थोड़े से महंगे जरूर आते हैं, जैसे ये 220 का है और इसमें मिलेंगे आपको मेरे ख्याल से 5, तो इसमें मिलेंगे 220 में 5 वाइप्स। पर अगर आप इसे वाइसली यूज करें तो आपका एक एक वाइप ना मंथली चल सकता है, मंथ से भी ज्यादा। तो मेरे तो कम से कम एक मंथ तो आराम से चल जाते हैं और अगर मैं उसे और अच्छे से यूज करूं, उसकी वॉशिंग क्लीनिंग साथ के साथ करूं, वो किस तरीके से करना है मैं पहले भी अपनी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूं और आगे भी करती रहूंगी। तो ये वाले आपके किचन में होना बहुत जरूरी है अगर आप अपने किचन को चाहते हैं नीट एंड क्लीन, कहते हैं ना बिल्कुल साफ सुथरा किचन चाहिए, तो वाइप का होना किचन में बहुत जरूरी है। वरना इसके ऑप्शन और भी हैं, आप चाहे तो अपने बच्चों की पुरानी कॉटन की टी शर्ट्स हैं उनका भी यूज कर सकते हैं, जो बनियान का कपड़ा होता है उसे भी आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल लिटरली मैं ये सारी बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर कोई इन वाइप्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, तो उन लोगों के लिए बहुत सारे आपके ही घर पे पुराने कपड़ों के ऑप्शन हैं। बट अगर कर सकते हैं तो इन वाइप्स में जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा। तो इसके साथ मैं दिखाऊंगी अब आपको नेक्स्ट आइटम। जो नेक्स्ट आइटम है वो है आपके किचन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आप चाहते हैं आपका किचन में थोड़ा सा टाइम जो लग जाता है
कलर है ज्यादा वो कम हो जाए, तो आपको इन्वेस्ट हमेशा इस तरीके के ड्राइंग मैट्स में करना चाहिए। ये ड्राइंग मैट तो नहीं है, बट मैं क्यों इन्हें ड्राइंग मैट बोल रही हूँ, बिकॉज ये जो माइक्रोफाइबर क्लोथ है इतना ज्यादा अच्छा है, इसकी बिल्कुल स्क्वायर है लेंथ और ब्रेथ। तो अगर आप इसे अपने सिंक के पास रख देंगे तो जो भी बर्तन आपने धोए हैं आप इसके ऊपर रखेंगे तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएंगे। इवन मैं तो अपने फ्रूट्स वगैरह को, वेजिटेबल को वॉश करके इनके ऊपर रख देती हूँ, बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो जो आपकी बास्केट आती है ना जिसमें आप धोके अपने बर्तनों को रखते हैं, उससे भी जल्दी इसमें आपके बर्तन सूख जाएंगे। तो ये भी आप लोगों के बहुत अच्छा एक किचन के लिए मैं कहूंगी एसेंशियल आइटम है, वो सबके किचन में होना जरूरी है ही। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। तो किचन के लिए अगर आपको स्पून एंड फॉक को ऑर्गेनाइज करना है तो इससे बेस्ट ऑर्गेनाइजर आपको नहीं मिलने वाला है। देखिए कितना प्यारा है, यहाँ पे आराम से स्पून एंड फॉक है, डिफरेंशिएट है, और इस तरीके से जो सुंदर सा इसका हैंडल बना हुआ है ये मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। ये मैंने लिया है वेस्ट साइड से और इसका प्राइस है 299, तो ये मुझे पड़ा है 300 रुपीज में। पर ये अगर आप अपने किचन में यूज करते हैं तो डेकोर का डेकोर और ऑर्गेनाइजर का ऑर्गेनाइजर दोनों ही आप लोगों के लिए वर्क करने वाला है। तो मैं इसे आगे अपने किचन का जो भी अभी आपके साथ टूर शेयर करूंगी उसमें इसे जरूर यूज करने वाली हूँ। तो उस टूर के अंदर ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको दिखाई है उसमें कुछ ना कुछ ऐड आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आप जरूर देख सकते हैं, अगर आप कभी वेबसाइट जाएं तो इस तरीके के स्पून एंड फॉक के ऑर्गेनाइजर आपको वहां आराम से मिल जाएंगे 300 रुपीज में। स्टेनलेस स्टील के हैं, आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल स्टेनलेस स्टील के हैं, पानी से भी वॉश कर सकते हैं आप इसे आराम से, तो उन्होंने बताया था बिल्कुल रफ एंड टफ आप इसे यूज कर लीजिए अपने किचन में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पेंट का मुझे थोड़ा सा डाउट है तो वो मैं आपको इसके यूसेज के बाद ही बताऊंगी कि ये कैसा निकला। अब जो नेक्स्ट आइटम मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये प्यारे प्यारे से टी एंड शुगर कंटेनर्स। ये स्टेनलेस स्टील के हैं, मैंने ये वेस्ट साइड से लिए हैं, 400 रुपीज ईच है, मतलब ये 400 का, ये 400 का, तो 800 रुपीज के ये हैं। बट इतना ज्यादा स्पेंड मैंने इनके अंदर क्यों करा आपको मैं उसका रीजन भी बता देती हूँ। 400 का है पर ये है स्टेनलेस स्टील का, देखने में भी बहुत ही प्यारा है और इसको किचन में जब आप रखेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा एक एस्थेटिक लुक आपके किचन को मिलने वाला है। और साथ में जो ये आप देख रहे हैं ये अंदर से पूरा एयर टाइट है, आप देख पाएंगे यहाँ पे रबर है और बहुत अच्छे से एयर टाइट दिया हुआ है। और क्वांटिटी भी मुझे इसकी अच्छी लगी, स्टेनलेस स्टील का है, टूटने का भी कोई डर नहीं है। तो अगर आप अपने किचन को एक कहते हैं ना फ्रेश लुक देना चाहते हैं तो इस तरीके के टी एंड शुगर कंटेनर, ये भी मैं वेबसाइट से लाई थी, इन्हें जरूर ट्राई कीजिए। तो अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट आइटम पे। तो जो नेक्स्ट आइटम है वो है ये सारी बास्केट्स। आप लोगों ने मेरे पहले वीडियोस में इन सब का मैंने अनबॉक्सिंग, प्राइसेस सब कुछ बताया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर इस तरीके की 3 बास्केट्स मिलती हैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं तो एक अच्छी बास्केट्स में जरूर इन्वेस्ट कीजिए, ऐसी नहीं जो सस्ती होंगी वो जल्दी टूट जाएंगी, फिर आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ थोड़े से पैसे ज्यादा स्पेंड करके एक ऐसी चीज में इन्वेस्ट कीजिए जो आपके किचन के लिए यूजफुल हो। ऐसे आइटम्स बिल्कुल मत खरीदिए जो आपको लग रहा है कि सस्ते हैं तो ले लेते हैं, बट वो विद टाइम आपके खराब हो जाएंगे, पैसा भी वेस्ट होगा, और जो आपने जिस पर्पस के लिए यूज किया था उसे आप चाह रहे थे कि वो यूज हो जाएगा वो भी आपका फुलफिल नहीं। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट आइटम पे। तो ये लास्ट आइटम है बट लास्ट नॉट द लीस्ट। तो हमारा जो आइटम है वो है ये एक ड्राइंग ट्रे है, आपके किचन के बर्तनों को सुखाने की ट्रे है। यहाँ पे जो लगा हुआ है इस तरीके की जो स्लांटिंग है, यहाँ से आपका सारा पानी आपके सिंक में चले जाता है, तो बिल्कुल भी इस पे पानी नहीं बचता, थोड़ा बहुत बचता है उसे आप धो सकते हैं, वाइप कर सकते हैं। बाकी 4 की फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, ये मैंने अमेजोन से लिया था, साथ में स्पून एंड फॉक रखने के लिए भी है, तो ये मेरे ख्याल से मेरे किचन के लिए बेस्ट है। सो फ्रेंड्स दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो एक बात और आप लोगों से कहनी थी मुझे कि जितना भी मैं देखती हूँ तो जो भी मेरे वीडियोस के व्यू होते हैं वो सारे के सारे अनसब्सक्राइब लोग हैं जो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करने वाले लोगों ने तो बहुत ही कम वीडियो देखा है। मैं ऐसा बोलना नहीं चाह रही थी बट अब मैं मजबूर हो गई हूँ बोलने के लिए, क्योंकि वीडियोस पे व्यूज तो अच्छे खासे आ जाते हैं बट सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है।
पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आगे जो वीडियोस ऐसी पोस्ट मैं अपने चैनल पे करने वाली हूँ वो सब आप लोगों से मिस हो जाएंगी। तो आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ आपको रेड बटन प्रेस करना है, सब्सक्राइब करना है, उससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। बट ये हो जाएगा कि अगर मैं अपने इस चैनल पे कुछ भी अपलोड कर रही हूँ तो वो व्यूवर्स तक जा रहा है और लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये सब मुझे आप लोगों के सब्सक्रिप्शन, कमेंट और लाइक से ही पता चलता है। तो बस यही छोटी सी बात आप लोगों से मुझे कहनी थी। तो मैं मिलूंगी अब आपसे कल एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड बाय। तो देख लीजिए आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने में कितनी मेहनत लगती है, ये देखिए। अब ये सब कुछ मुझे अरेंज करना है, एक जगह पे लाके आप लोगों को दिखाना था, इसलिए यहाँ सब कुछ काउंटर टॉप पे रखना पड़ा। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।